Good morning, students. In previous class, we had done the revision of poem, The Elephant and the Mouse. हमने एलिफेंट और माउस की जो पोयम पढ़ी थी उसका रिवीजन किया था. आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे. आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. टिक का करेक्ट ऑप्शन कर रहे थे, उसका फोर्थ क्वेश्चन है. He ran to hide. The question is the comma he in this line is. अब इस लाइन के अंदर he किसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, he किसको बोला गया है. ऑप्शन आर अ माउस, माउस को बोला गया है. ऑप्शन बी द जू कीपर ऑप्शन सी एन एलिफेंट. तो यहां पर ही का यूज किसके लिए किया गया है, माउस के लिए, जू कीपर यानी जो जू की देखभाल करता है उसके लिए, या फिर एन एलिफेंट के लिए. एलिफेंट के लिए लाइन क्या है, ही रेन टू हाइड बाय अ ट्री. वो भाग रहा था अपने आप को हाइड करने के लिए ट्री के आसपास. तो यहाँ पे ही कौन है, हमने जब पोयम पढ़ी थी तो कौन भाग रहा था अपने आप को हाइड करने के लिए, द माउस, माउस भाग रहा था, द जू कीपर, जू कीपर भाग रहा था, एन एलिफेंट. द आंसर इज एन एलिफेंट. कौन भाग रहा था, एन एलिफेंट वॉज रनिंग टू हाइड हिमसेल्फ. एलिफेंट जो था वो भाग रहा था अपने आप को हाइड करने के लिए. नेक्स्ट इज नंबर 5. एक्सेप्ट व्हेन दे स्पाई, व्हेन दे स्पाई अ माउस. In this line, is line R. अब यहाँ पर दे का यूज किसके लिए किया गया है, दे किसको बोला गया है. ऑप्शन आर ऑप्शन ए द एलिफेंट्स in the elephant house next question next is B1 the visitors house. अब यहाँ पर क्वेश्चन है एक्सेप्ट व्हेन दे स्पाय अ माउस. दे इन दिस लाइन आर, दे किसके लिए यूज करा है, द एलिफेंट्स इन द एलिफेंट हाउस, एलिफेंट्स के लिए जो एलिफेंट हाउस में है. द विजिटर्स टू द एलिफेंट हाउस, द विजिटर्स है जो एलिफेंट हाउस में, दे
देखने आए हैं, द माइस लिविंग इन द एलिफेंट हाउस, या जो माइस है जो एलिफेंट हाउस में रह रहा है उनके लिए। तो आंसर क्या है, द एलिफेंट्स इन द एलिफेंट हाउस। तो कौन किसके लिए देखा यूज करा है, जो एलिफेंट्स उस एलिफेंट हाउस में रह रहे हैं उनके लिए देखा यूज किया गया है। सी वंस अगेन, ही रैन टू हाइड बाय अ ट्री। द ही इन दिस लाइन इज ही का यूज किसके लिए किया गया है, अ माउस, द ज़ूकीपर, एन एलिफेंट। द आंसर इज एन एलिफेंट। एक्सेप्ट व्हेन दे स्पाय अ माउस, द दे इन दिस लाइन आर, दे किसके लिए यूज किया है, द एलिफेंट्स इन द एलिफेंट हाउस, द विजिटर्स टू द एलिफेंट हाउस, द माइस लिविंग इन द एलिफेंट हाउस। द आंसर इज द एलिफेंट्स इन द एलिफेंट हाउस। सो स्टूडेंट, यू हैव टू नोट डाउन दीज क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू रिवाइज दैम।